नमस्कार उच्च नमस्कार हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग बात करेंगे फंक्शन एंड इट्स टाइप पर। तो लुक, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने फंक्शन के विषय में पढ़ा था, मतलब कि पिछले सेशन में। नाउ फंक्शन होता क्या है पहले इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ बात करेंगे एंड देन इसके बाद हमारा जो अभी टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो है इट्स टाइप। फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, उनकी जांच कैसे करते हैं कि ये कौन सा फंक्शन है एंड देन इसके बाद में प्रॉब्लम्स हैं, राइट, पूरे के पूरे एक्सरसाइज में। तो लेट्स स्टार्ट कि व्हाट इज फंक्शन, ठीक है ना। हमने रिलेशन को समझ चुका है कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सॉरी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इन विच एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इज रिलेटेड आर रिलेटेड टू द एलिमेंट ऑफ सेट बी। यानी कि ए का अवयव बी के अवयव से आर संबंधित होता है, ठीक है ना। तो आर को हम लोग क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। अब कोई संबंध ही जो है ना वो फंक्शन बन जाता है आगे चल के, लेकिन उसमें कुछ शर्तें डाल दी जाती हैं। क्या डाल दी जाती हैं, कुछ शर्त डाल दी जाती हैं। नाउ तो हम क्या शर्त डाल देते हैं तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं पहले। आ रिलेशन एफ From A to B is said to be function if number one domain of F is A। यानी कि जो relation है उसका domain क्या हो जाना चाहिए, A हो जाना चाहिए, ये पहली शर्त होना चाहिए। नंबर टू, सेकंड कंडीशन, हाँ, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज यूनिकली F related to B, right? यानी कि A का प्रत्येक अवयव B के किसी खास एलिमेंट से क्या होना चाहिए, F related होना चाहिए, ठीक है ना। And number three, no any element of B does not have two or more उल्टा हो गया no two or more elements of B has an element as pre image pre-image in A, no two or more elements of B has an element as a pre-image in A। इसका मतलब ये हुआ कि B के दो या अधिक अवयव जो हैं या एलिमेंट जो हैं A के किसी एक ही एलिमेंट से मैप नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि that is no
दैट इज टू और मोर ऑर्डर्ड पेयर इन एफ डज नॉट हैव सेम एलिमेंट इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट और फर्स्ट पोजीशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि अगर हम लोग F को किसके रूप में लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखेंगे, तो F के अंदर कोई भी ऐसे दो एलिमेंट नहीं होने चाहिए, दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे नहीं होने चाहिए जिनमें जो पहला कोऑर्डिनेट है यानी कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेम हो। क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट के सेम होने का मतलब यह है कि यहां का एक एलिमेंट बी के दो एलिमेंट से जाके मैप कर रहा है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कि एक एग्जाम्पल लें, तो मान लो कि आपको एफ एक रिलेशन है जो इस तरह से दिया हुआ है। क्या यहां पे दिया है 1 2 एंड 1 3 एंड 2 4 लाइक दैट। तो रिलेशन तो ये है, रिलेशन तो ये है, लेकिन ये एक फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि जरा ध्यान से देखो, अगर इसका आप एरो डायग्राम बनाएंगे तो 1 1 2 वन और टू, आप सपोज दैट कि यहां दो ही एलिमेंट है, 2 3 4 ये 2 ये 3 4 ऐसे समझ लो। तो आप जरा ध्यान से देखो कि 2 और 3 क्या है, एक ही एलिमेंट से मैप कर रहे हैं, और 2 किसके साथ मैप कर रहा है, 4 के साथ। ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन में यहां के दो या अधिक अवयव यहां के किसी एक अवयव से मैप नहीं कर सकते या रिलेट नहीं हो सकते हैं। यहां के दो यहां के एक से हो सकते हैं, लेकिन यहां के दो या तीन या चार एलिमेंट्स या 4 5 एलिमेंट्स यहां के किसी एक एलिमेंट से मैप नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। समझ में आया? हम फिर से डिस्कस करते हैं कि बेसिकली फंक्शन है क्या। लुक एट दैट, कोई भी रिलेशन जो है वो फंक्शन तब कहलाता है जब उस रिलेशन का जो डोमेन है वो पूरा का पूरा सेट क्या हो, ए हो जाए। नंबर 1। नंबर 2, ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी ना किसी एलिमेंट से मैप करें, ठीक है ना? हालांकि ये दोनों शर्तें लगभग एक जैसी हैं, ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि अगर डोमेन पूरा का पूरा ए बन गया है तो इसका मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से मैप करेगा ही करेगा। दूसरी और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शर्त है वो ये है कि बी के कोई भी दो एलिमेंट्स की प्री इमेज क्या नहीं होना चाहिए, ए में एक ही एलिमेंट नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? ये तो होती है इमेज और ये होती है प्री इमेज। तो प्री इमेज एक नहीं होना चाहिए किन्हीं भी दो एलिमेंट्स की। समझ में आया? अगर ऐसा है तो उसे हम लोग फंक्शन नहीं कहेंगे। इतनी बात समझ में आई? राइट। अगर हम कोई दो एलिमेंट भी ऐसे ढूंढ लेना बी के अंदर जिनकी प्री इमेज एक ही एलिमेंट है, तो आप उसको बिल्कुल बिना सोचे समझे कह सकते हैं कि ये फंक्शन नहीं है। समझ में आ गया? तो क्या होता है फंक्शन? क्लियर है? श्योर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। तो ये तो होगी बेटा फंक्शन की डेफिनेशन, ठीक है ना? राइट। फंक्शन को समझने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप उसका एरो डायग्राम बना लें। तो जैसे ही आप उसका एरो डायग्राम बनाएंगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा कि वो रियली फंक्शन है कि नहीं है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन के ऊपर कि फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छे से समझना है कि फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। एक्चुअल में फंक्शन तो हम समझ गए, एलिमेंट्स किसी एलिमेंट्स के साथ मैच करेगा। कुछ और चीज जो फंक्शन के विषय में मुझे बतानी थी वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि फंक्शन में एक फंक्शन है जो कि ए से बी पर है, तो उसको शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं, ठीक है ना? और मान लो कि एफ ए इज इक्वल्स टू है बी, जहां पर
ए जो है वो कैपिटल ए और जो बी है वो कैपिटल बी का एलिमेंट है। तो इसको हम लोग कहते हैं इमेज ऑफ ए एलिमेंट, राइट, इमेज ऑफ ए। और इस ए को हम कहते हैं प्री प्री इमेज ऑफ बी, ठीक है ना। मतलब बी इमेज है ए की या एफ ए इमेज है, एफ ए इमेज है ए की। एफ मतलब कि ए की इमेज, जो कि किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो बी कह लो या एफ ए कह लो, एक ही बात है, ठीक है ना। यानी कि एफ ए इज इक्वल टू बी, इमेज है एलिमेंट ए की, है ना। ए कहां से आ रहा है, डोमेन में से आ रहा है। बी कहां पर है, कोडोमेन में है। समझ में आई बात, ओके। अब मैं आता हूं टाइप्स ऑफ फंक्शन के विषय में, कि टाइप्स ऑफ फंक्शन होते क्या है। बेसिकली हमारे पास में तीन टाइप्स हैं फंक्शन के, और वही सबसे इंपॉर्टेंट है, उन्हीं से ही सारी चीजें बनती हैं। तीन जो फंक्शन हैं हमारे पास में, उनमें पहला है वन वन फंक्शन। क्या है वन वन फंक्शन? हिंदी में इसे कहते हैं एकक फलन। क्या कहते हैं? एकक फलन। नंबर टू, नेक्स्ट है ऑन टू फंक्शन। क्या है ऑन टू फंक्शन? हिंदी में इसे कहते हैं अच्छादक फलन। क्या कहते हैं? अच्छादक फलन। और तीसरा है इनटू फंक्शन। कौन सा? इनटू। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन एंड इनटू फंक्शन। अभी आपके सिलेबस में केवल ये दो फंक्शंस के विषय में दिया होगा कि वन वन फंक्शन क्या होता है और ऑन टू फंक्शन क्या होता है। अब इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं डिटेल में कि वन वन फंक्शन होता है क्या है। इसको मैं एरो डायग्राम के माध्यम से तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूं बेटे, कि वन वन फंक्शन क्या होता है, राइट, और ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। वन वन फंक्शन जो होता है उसमें ये खासियत होती है कि यहां पर जितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और यहां पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके बीच में जो मैपिंग बनेगी वो एक एलिमेंट की एक से ही बनेगी, ठीक। फंक्शन में ये खासियत होती है कि यहां का तो कोई एलिमेंट छूट ही नहीं सकता है, लेकिन वन वन फंक्शन अगर वो है, फंक्शन तो है और साथ में वन वन भी है, तो वन वन फंक्शन ये कहता है कि यहां का एक एलिमेंट यहां के एक एलिमेंट से ही मैप करेगा या इमेज बनाएगा यहां पे जाके। समझ में आ गई बात? एक एलिमेंट यहां पर एक एलिमेंट से ही क्या करेगा, मैप करेगा। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, वन वन फंक्शन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर हम लोग लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे, क्या, अ फंक्शन f such that a to b is one one if for any f x1 is equals to f x2 implies that x1 is equals to x2। मतलब ये है कि अगर हम लोग यहां के कोई भी दो एलिमेंट्स लें और उनको क्या कर दें, बराबर कर दें, तो अपने आप ही क्या आ जाएगा, यहां के वो दो एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल आ जाएंगे जिनकी की वो इमेजेस थे, ठीक है ना। इट मींस दैट इज इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए अंडर एफ मैपिंग। इसको फंक्शन भी कहते हैं बेटे, है ना, इज या आर डिस्टिंक्ट, ठीक। यानी कि यहां के अलग अलग एलिमेंट्स की जो इमेज है यहां पर वो भी अलग अलग होगी। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, वन वन फंक्शन। नाम से याद रखना, वन वन, एक एक, यानी एक एलिमेंट यहां के एक एलिमेंट से ही मैप करेगा, ठीक है। यहां के दो एलिमेंट की इमेज यहां पर भी दो अलग अलग एलिमेंट्स होंगी, समझ में आ गया। उसको हम क्या कहते हैं, वन वन फंक्शन कहते हैं। अगर वो वन वन नहीं होगा तो वो मैनी वन होगा। क्या होगा?
मैनी वन। मैनी वन का मतलब यहाँ के एक या दो एलिमेंट यहाँ के एक ही एलिमेंट से मैच मैप कर जाएंगे, तो उसको हम कहेंगे मैनी वन, यानी यहाँ के मैनी एक से ज्यादा एलिमेंट यहाँ के एक एलिमेंट से मैप कर गए। yes. समझ में आ गया, ठीक है ना। ये वाला सिस्टम, ये ऐसे दिस वन, ठीक, इसको हम बोलते हैं मैनी वन मैपिंग, है ना। yes. ठीक है, समझ आया। yes. तो वन वन फंक्शन क्या होता है, क्लियर हुआ। yes. नाउ अब हम लोग बात करते हैं ऑन टू फंक्शन के विषय में। किसके विषय में? ऑन टू फंक्शन, ठीक है ना। कि ऑन टू हिंदी में क्या कहते हैं, आच्छादक फलन। कि ये ऑन टू फंक्शन होता क्या है, राइट। ऑन टू फंक्शन के ऊपर बात करते हैं, ठीक। ऑन टू फंक्शन बहुत ही आसान है। क्या है आसान? कि अ फंक्शन f a टू b इज सेड टू बी ऑन टू इफ कोडोमेन या फिर SNA, इफ रेंज ऑफ f इज इक्वल्स टू b, दैट इज f a इज इक्वल्स टू b। अगर किसी फंक्शन का जो कोडोमेन है वो उस फंक्शन की रेंज भी बन जाए, क्या बन जाए, रेंज, यानी कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाए, तो हम ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन कहते हैं। ऑन टू फंक्शन में कभी भी यहां कोडोमेन में कोई एलिमेंट छूटता नहीं है, मतलब यहां पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी कुछ ना कुछ यहां पर प्री इमेजेस होंगी ही होंगी। yes, ठीक है ना। इट मीन्स दैट इज every element of B is the image of some element of A, यानी कि B के अंदर कोई भी जो अवयव है वो किसी ना किसी की इमेज है ए के एलिमेंट के। yes, समझ में आ गया। yes, sir. पक्का, राइट। yes. बोलोगे तो नहीं? Yes, नहीं। और इनटू मैपिंग मैं शॉर्ट में बता देता हूं, ग्राफ के थ्रू। इनटू मैपिंग का मतलब ये होता है कि कोई मैपिंग, चाहे वो वन वन हो, ठीक है ना। yes. या कोई मैनी वन हो, अगर कोडोमेन में कोई एलिमेंट छूट गया, क्या हुआ, कोई एलिमेंट छूट गया, तो उस मैपिंग को कहते हैं इनटू मैपिंग। यानी कि यहां पर कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जो कि यहां के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं होगा, तो हम ऐसी मैपिंग को कहते हैं इनटू मैपिंग। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है ना। ये कौन सी मैपिंग है, वन वन। ऑन टू में क्या होगा बेटा, ऑन टू में मैं ऐसा फोटो बना के दिखाता हूं यहां पर, है ना। देखो ऑन टू में क्या होगा, ऑन टू में आपके पास ये रहेगा, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स मान लो, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स मान लो। ऑन टू की ये शर्त रहेगी कि कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए, ठीक। ये देखो, ये ऑन टू मैपिंग, ठीक है ना, ये ऑन टू मैपिंग। ये देखो, यहाँ पर पांच एलिमेंट्स थे, यहाँ पर चार थे, चार से मैप कर गया। यहाँ के दो एलिमेंट यहाँ के एक एलिमेंट से मैप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये ऑन टू मैपिंग का एग्जाम्पल है। और अगर कोई मैपिंग ऐसी हो, ये तो ये जो मैपिंग है ये वन वन भी है और ऑन टू भी है। क्या है, वन वन और ऑन टू दोनों है। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई एलिमेंट छूट भी नहीं रहा है और एक एलिमेंट एक से ही मैप कर रहा है, तो कोई मैपिंग वन वन ऑन टू दोनों हो सकती है। और सर वहां पे भी तो नहीं छूट रहा, तो वो भी क्या, नहीं ये केवल ऑन टू है, वन वन नहीं है, क्योंकि वन वन के लिए तो एक एलिमेंट एक से ही मैप करना चाहिए ना।
लेकिन यहाँ पर तो देखो ये दो दो एलिमेंट एक से मैप कर गए, तो ये मैपिंग ऑन टू तो है लेकिन वन वन नहीं है, लेकिन ये मैपिंग वन वन भी है और ऑन टू भी है, ठीक है ना। एंड नाउ ये थर्ड वाला जो केस है इनटू मैपिंग, इनटू मैपिंग में ये देखो बी में कुछ एलिमेंट छूट गए, तो इसको हम कहेंगे इनटू मैपिंग। अब वो इनटू मैपिंग इन तीनों से मिला के हमने कुछ और नई तरह की मैपिंग्स भी बनाई हैं। कौन कौन सी मैपिंग बनाई है, जैसे कोई मैपिंग वन वन ऑन टू भी हो सकती है, कोई मैपिंग वन वन इनटू भी हो सकती है, लेकिन कोई मैपिंग ऑन टू इनटू नहीं हो सकती है, क्योंकि दोनों की शर्तें अलग अलग है, बिल्कुल ठीक। यस एग्जैक्टली, तो कोई मैपिंग 1-1 ऑन टू हो सकती है और कोई मैपिंग 1-1 इनटू भी हो सकती है। ये जो मैपिंग है ये केवल इनटू मैपिंग है, ये मैपिंग 1-1 ऑन टू मैपिंग है, ये वाली केवल ऑन टू मैपिंग है। और एक एग्जांपल और अगर ले लें हम, ये मैपिंग 1-1 इनटू मैपिंग है, क्योंकि एक से एक मैप कर रहा है और उधर बी में एक एलिमेंट छूट गया है, ठीक है ना। जो 1-1 ऑन टू मैपिंग होता है उसको एक और नाम से जाना जाता है और उस नाम को हम कहते हैं बाइजेक्टिव। क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव मैपिंग या बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना। एक शब्द में बार बार बोल रहा हूं बेटे, वो शब्द है मैपिंग और फंक्शन, दोनों एक ही चीज है, कोई अलग अलग नहीं है। मैपिंग को ही फंक्शन कहते हैं, फंक्शन ही मैपिंग है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही चीज है। 1-1 मैपिंग, 1-1 फंक्शन, ऑन टू मैपिंग, ऑन टू फंक्शन, 1-1 ऑन टू, 1-1 इनटू, ठीक है रहेगा। तो ये तो बच्चा मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई और ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करी कि होता क्या है वास्तव में। समझ में आया राइट? इसको लिख लो, फिर इसके बाद आपको कुछ एग्जाम्पल देके मैं बताता हूँ कि कैसे पहचानते हैं कि कोई फंक्शन 1-1 है, ऑन टू है, इन टू है या कुछ और है। क्लियर? हिंदी में लिखूं? हाँ ओके। देखो इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, ये तो पता ही है 1-1 फलन क्या होता है ना। इसको हिंदी में लिख लो तो ये होगा एक एक फलन, ठीक है ना। तो ऊपर लिखा हुआ है और यहां पर हम लोग एक फलन ये को एक एक फलन कहेंगे राइट, यदि ये बराबर कहेंगे यदि ये राइट, और इसको हम लोग कहेंगे अर्थात, अर्थात अर्थात दो भिन्न, यानी इसको ऐसे लिखेंगे अर्थात ए के दो भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी बी में भिन्न हो राइट। एंड अ फंक्शन एक फलन एफ सच दैट दिस इज सेट टू बी ऑन टू आच्छादक कहलाएगा यदि, यदि रेंज ऑफ एफ यानी कि इफ एफ की रेंज, एफ की रेंज बराबर हो पी के, ठीक है ना। यानी कि इसको हम आप ऐसे भी लिख सकते हैं
अर्थात अर्थात बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। ठीक है, ठीक है, तो ये हिंदी में भी लिख दिया, तो अब आप इसको नोट कर लो। ठीक है, एक बार समझ लो फिर अपनी भाषा में नोट कर लेना। कोई भी जो फलन है वो एकेकी फलन तब कहलाता है, ये एक फलन f such that a to b एकेकी फलन कहलाएगा यदि f x1 is equals to f x2 is equals to x1 is equals to x2 implies that, है ना? अर्थात a के दो भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी b में भिन्न हो। ठीक है, ये पहला, ये वन वन फंक्शन की डेफिनेशन। नाउ ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, एक फलन f such that a to b अच्छादक कहलाएगा यदि f की रेंज बराबर हो b के, दैट इज f a बराबर f b। ठीक है ना? अर्थात b के b का प्रत्येक अवयव a के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। ठीक, यानी b में कोई खाली नहीं छूटना चाहिए, और यहां पर अलग अलग अवयव की अलग अलग इमेजेस होनी चाहिए। कहां पर? बी में। ये एक एक की डेफिनेशन है, और फिर इन्हीं से मिलाकर हमने इनटू को समझा कि इनटू फंक्शन क्या होता है, फिर वन वन ऑन टू और वन वन इनटू फंक्शन भी समझा। क्लियर? ठीक है, अब इसको नोट करो, फिर अपन कुछ एग्जाम्पल देते हैं। For more updates, subscribe to our channel.